भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है, आरएसएस राष्ट्र बनाना चाहती है, और आप भी माइक लेके चले आएंगे। अच्छा, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, अज्ञानी लोग हैं क्या? वीर सावरकर अंग्रेजों की गुलामी करता था ना, आज उसको वीर मान रहे हैं। जो लोग शहीद हुए भारत की आजादी में, वो लोग क्या जानेंगे? संविधान के रखवाले हैं ये लोग, संविधान को ताक पे रख के देश को बेचना चाहते। हम ये नहीं है चोला पहन के भगवान राम के मुंह में राम बगल में सूरी, लूटो लूटो देश को लूट के और अडानी के झोले में जाके डालने का। अरे भाई, मैंने तो सुना था केवल भगवान शिव का तांडव चलता था, अब इस सरकार में तो मोदी जी का भी तांडव चल रहा है। डमरू मोदी जी बना रहे, तो मोदी जी मदारी में चले जाइए। खुद तो फकीर के नाम पे देश की जनता का पैसा शेयर मार्केट में विलुप्त करा के और इंक्रीज करके अडानी का पैसा कर दिए, और आवाज बुलंद करके हमेशा उनसे पूछा, अडानी और मोदी जी का संबंध क्या है? तो देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमा था, बोल नहीं पा रहे थे। अखंड भारत बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान को भी मिलाना चाहते हैं, किस तरह देख रहे हैं आप ये बयान? समर्थन कर रहे हैं आप उनका या नहीं? ये कौन है धीरेंद्र शास्त्री? आप आए दिन नए नए बाबा को बीजेपी लॉन्च करती रहती है। एक बाबा उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए हैं और एक बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, एक उधर असम से कोई कह रहा है कि बुलडोजर से। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी इस देश में करना क्या चाहती है, पहले ये तय कर ली। जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर इससे पहले 2012 में बुर्का पहन के भागने वाले लोग बाबा रामदेव भी थे, क्या वैसे ही तो नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री? मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और बाबा कौन है, बाबा क्या नाम है? चमत्कारी। आप बताइए चमत्कारी कैसे, चमत्कारी क्या चमत्कार किया उन्होंने देश की जनता के साथ, क्या चमत्कार किया? महंगाई खत्म करने का काम किया उन्होंने कि केवल राग रपेला लाएंगे और देश में अच्छा हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं? जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पे इस देश में व्यापार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कोई हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहती है, आरएसएस राष्ट्र बनाना चाहती है, क्या ये वही लोग हैं जो 2014 में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़े थे, महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़े थे? ये वही लोग हैं या केवल धार्मिक एजेंडे के जरिए इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और आप भी माइक लेके चले आएंगे? अच्छा, बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, अज्ञानी लोग हैं क्या आप? पत्रकारिता कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं या केवल अज्ञान के तरीके से इस देश की जनता को वही जो मीडिया दिखा रही है स्ट्रीम, वही आप भी दिखाना चाह रहे हैं? क्यों पत्रकार महोदय, चश्मा लगा है, दिखाई दे रहा है, कानों में रुई डाल ली है, सुनाई नहीं पड़ रहा है? बताइए काय बौखला गए? नहीं, अच्छा वही धीरेन्द्र शास्त्री ने जिसका भाई एक बहन बेटी के मंडप में जाके और कट्टा और पिस्टल लेके धमकाने की बात करता है, ये धीरेन्द्र शास्त्री ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं करना चाहते हैं, ये केवल भगवा चोला पहन के अपना व्यापार बनाना चाहते हैं। एक बाबा 2012 खंड करना चाहते हैं इस देश में, हिंदू मुसलमान के आए दिन मुद्दे कराना रहते हैं, ये खंड कराना चाहते हैं। ये वही अखंड मोदी जी ने तो कहा था विश्वगुरु बनाएंगे, उन्होंने विश्वगुरु बनाने का काम किया देश में अमृत काल चला रहे थे ये। अच्छा पहले अखंड भारत बनेगा कि पहले खंड? अच्छा क्या आप पहले ये तय कर लीजिए, अखंड भारत बनेगा, विश्वगुरु बनेगा या हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या बनेगा? भारत कौन सा? भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना। भारत में जब आजादी के बाद 1947 में भारत में सभी तो नागरिकता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग भारत में हैं। ये जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जो 2014 में देश की राजनीति में आए थे, देश में बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार करके, और इन्होंने महंगाई और देश में बेरोजगारी सबसे चरम पे लाने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री सिर्फ नए नए बाबा को लॉन्च करके और देश में एक अफीम के जरिए इस देश को जनता के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। आप बताइए बुलडोजर बाबा कहां से लाए हैं? बुलडोजर क्या न्याय की नीति है? जिस बहन बेटी को जिन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हीं के शासनकाल में झुग्गी और झोपड़ियों में बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, आखिर उन बहन बेटियों को कब न्याय मिल पाएगा? कानपुर की वो बहन और बेटी, उनको न्याय नहीं दे पाई ये सरकार। जो देश के गृह मंत्री जब चुनाव में जाके दूरबीन लगा के देखते थे कि हमारी गहना पहन के बहन बेटियाँ हमारी सुरक्षित हैं, आज उन बहन बेटियों को इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने जिंदा बेटियों को जलाने का काम किया। न्याय का प्रतीक बन गया था कल तक। देखिए हमारे लिए संविधान न्याय का प्रतीक है, ये भाजपा के लिए जो होगा बुलडोजर के नाम पे इन्होंने जो देश की जनता को गुमराह किया,
और भगवान श्री राम के नाम पे, आप बताइए, भगवान श्री राम एक आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन उनके नाम पे सबसे ज़्यादा, धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा बीजेपी ने घोटाले करने का काम किया। आप चाहे नमामि गंगे के नाम पे ले लीजिए, चाहे राम मंदिर के नाम पे ले लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर जाँच हो जाए, ईडी और सीबीआई जाँच करे, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक मसलों में सबसे ज़्यादा घोटाला किया है, इस देश के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। वही प्रभु श्री राम जिन्होंने अधर्मियों का नाश किया था, वही भगवान अमीन भाजपा जैसे राष्ट्रभक्ति जगाई है क्या लोगों में? इससे पहले लोग भारत में नहीं रहते थे, इससे लोग तिरंगा जय माता दी और जय हिंदुस्तान नहीं बोलते थे, लोगों में क्या राष्ट्रभक्ति? इन्होंने लोगों को राष्ट्र के नाम पे व्यापार को लोगों को बढ़ाने का काम किया। इन्होंने नए नए तरीके से, जो लोग इस देश में कहते थे किसानों की आय दोगुनी होगी, उन्होंने करने का काम किया। और क्या, बागेश्वर बाबा की जय, आप भी आके जय जयकार करवा रहे हैं, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर बाबा कोई चमत्कार नहीं है, केवल आप हिंदू है कि नहीं है, आप हिंदू है कि नहीं है बताइए, आप बताइए, क्या आप मुझे क्या सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहे हैं? सुनिए, आप लोग ये बरगला सुनिए, आप लोग अंग्रेजों की गुलामी करने वाले, वीर सावरकर अंग्रेजों की गुलामी करता था ना, आज उसको वीर मान रहे हैं। जो लोग शहीद हुए भारत की आज़ादी में, वो लोग क्या जानेंगे? ये लोग तो केवल मुखबरी करने का काम करते थे, राज का खंडन कर रहे, हिंदू हो गए, आप कैसे हिंदू है? आप बताइए, भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना दिखा रहे हैं, मैं कहता हूँ बीजेपी आज हिंदू राष्ट्र बनाएगी, 2014 से तो लाए जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा। नागपुर की नारंगी जो है, ये केवल अफीम देश की जनता के सामने, आपने देखा जब कानपुर की बहन और बेटी को, माँ और बेटी को जब जलाया गया, तब किसी भी हिंदू यांद भक्तों की आंख नहीं खुली। और एक पठान मूवी में क्या दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहन ली, उस पर पूरी जनता ने पूरा गुमराह करने का काम किया। और जब वो स्मृति ईरानी, देखें अभी उनकी बेटी की शादी थी, उसमें उन्होंने स्पेशल शाहरुख खान को इनविटेशन दिया, तब अंधभक्तों को नहीं दिखाई दिया। ये लोग केवल आपको लड़ाना चाहते हैं आपस में और अपनी सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। ये ना हिंदू राष्ट्र बनाना, देखिए फिर मैं कहता हूँ भारत, मैं संविधान से देश चलाना चाहता हूँ, आप मनुस्मृति और शरीयत से देश चलाना चाहते हैं, मैं संविधान से देश, हम संविधान के रखवाले हैं, ये लोग संविधान को ताक पे रख के देश को बेचना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोग, ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये इस देश में मनुस्मृति काबिज करना चाहते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान और न्याय की और अधिकार की बात करते हैं इस देश में। राम राज्य होता क्या है पहले बीजेपी वालों को पता है? भगवान श्री राम जब राजा थे, उन्होंने किसी भी प्रजा के साथ जुल्म और अत्याचार नहीं किया था। उन्होंने रावण को बार बार समझाया था कि आप अधर्म के रास्ते से न्याय के रास्ते पे चले गए, लेकिन रावण अहंकारी था। कौन से उन्होंने राम राज्य की स्थापना की? कब करने जा रहे हैं? 2014 से वो तो राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। आप लोग साथ नहीं दे रहे ना है? आप लोग साथ नहीं तो हम गलत का साथ नहीं देते, हम देश में सच की, हम भगवान श्री राम के असली भक्त हैं। हम ये नहीं है चोला पहन के भगवान राम के मुंह में राम, बगल में सूरी, लूटो लूटो देश को लूट के और अडानी के झोले में जाके डालने। देखो नहीं, अडानी माला माल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? आज इस टीम मीडिया केवल अडानी के खबरों को नहीं चला रही है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र, आपने हेडलाइन देखी है मीडिया की? मोदी जी ने विश्व में ढंका बजा दिया। अरे भाई, मैंने तो सुना था केवल भगवान शिव का तांडव चलता था, अब इस सरकार में तो मोदी जी का भी तांडव चल रहा है, डमरू मोदी जी बना रहे। तो मोदी जी मदारी में चले जाइए, देश के प्रधानमंत्री, देश प्रधानमंत्री एक क्या कहे आप नहीं, आप क्या सुनिए, अरे आप सर्टिफिकेट मत बांटिए, हम अपनी आस्था को, हम हनुमान जी नहीं है सीना चीर के दिखा दें आपको कि हम भगवान श्री राम को मानते हैं। ये देखिए, आप बताइए, हिंदू राष्ट्र देश की जनता को बेरोजगारी से निजात दिलवाइए, बाबा बागेश्वर जो हैं ये चमत्कार ऐसा कर दें देश में। बिलबिला आप रहे हैं क्योंकि आपको खबर चाहिए। बीजेपी चलवाए, जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। आप जबरदस्ती किसी से कुछ काम मत करवाइए, देश की जनता आपको
बता देगी कि आपने क्या काम किया है देश की जनता के साथ। आपने बहुत सारे वायदे किए थे लेकिन उन वायदों पे विफल रहे। आपने क्या क्या नहीं मुद्दा छोड़ा, आपने वेज नॉन वेज का मुद्दा उठाया, आप कुरान का मुद्दा उठाए, आप हिजाब का मुद्दा उठाए, आप रोज़ नए नए एक मुद्दे ला के, आपको सिर्फ मुस्लिम मुद्दा इस देश में चाहिए, उसी से आपका हिंदू राष्ट्र बनेगा। और स्मृति ईरानी जी शाहरुख खान को अपनी इन्विटेशन में बुलाएंगी आ? वाह रे अंधभक्तों, जाओ धूप मर जाओ अंधभक्तों, काय डर लग गया आए नहीं, जवाब आए। अखंड कौन सा अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप? देश की जनता सड़कों पे, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? देश को जनता को भी करूँ, आपने मोदी जी ने कटोरा थमाने का काम किया, आप अखंड भारत की बात कर रहे हैं? ये पाकिस्तान आए थर कांप रहा है। मोदी जी ने पीतल की नगरी मुरादाबाद में, जानते हो, बहुत बड़ा कटोरे बनने का ऑर्डर दिया है। जानते हैं क्यों? अब देश की हाथ में, देश की जनता की हाथ में, युवाओं के हाथ में कटोरा देने का काम करेंगे, क्योंकि पीतल की नगरी में करोड़ों कटोरे बन रहे हैं। अब आपको भी उसी में कटोरा मिल जाएगा, आप ये बस्ता उस्ता बंद कर दीजिए, क्योंकि आप भी कहते हैं ना मैं फकीर हूँ, मैं तो झोला लेके चला जाऊँगा। देश के प्रधानमंत्री खुद तो फकीर के नाम पे देश की जनता का पैसा शेयर मार्केट में विलुप्त करा के और इंक्रीज करके अडानी का पैसा कर दिए। और ये जो आप लोग विदेशी साजिश है। अच्छा, अगर आपकी आवाज कोई अगर दूसरा जाके, पड़ोसी जाके बता दे आपके घर में क्या हो रहा है, तो आपको दिक्कत है, क्योंकि वहाँ जो बैठे लोग चुगलखोरी जो लोग वहाँ बैठे वो चाटुकारिता कर रहे हैं। जो लोग वहाँ वही कहते नहीं हैं, जब देश के प्रधानमंत्री से संसद भवन में राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करके हमेशा उनसे पूछा अडानी और मोदी जी का संबंध क्या है, तो देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमा था, बोल नहीं पा रहे थे। हैं धन्यवाद, भाग रहे हो मीडिया लेके, माइक लेके भागे जा रहे हो, आपको सुनाई नहीं, ये बीजेपी का पत्रकार है लग रहा, नहीं ये लग रहा है बीजेपी के पत्रकार हैं, ये बीजेपी के साथ इनको माल मिल रहा है, लग रहा है ये बीजेपी के पत्रकार हैं, क्योंकि इनको सच नहीं सुनना है। राहुल गांधी जी ने 140 दिन सड़कों पे चल के इस देश की जनता को न्याय के लिए, अधिकार के लिए, सामाजिक समन्वय के लिए उन्होंने सड़क पे चलने का काम आए। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा ना वर्जिश करने गए थे मोदी जी, तो लोग नए नए रोज नए नए देशों में 62 देश की यात्रा कर चुके हैं।